अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसको नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे नोकिया के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम अभी इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जियो के 4,000 रुपये का फ़ोन लॉन्च करने की यहाँ पे घोषणा की है। जियो की तरफ से कुछ खबरें निकल के आई है, उसी प्रकार से अब जियो को टक्कर देने के लिए नोकिया है जल्द ही दो फोन यहाँ पे शानदार 5G फोन यहाँ पे लॉन्च करने की तैयारी में जुड़ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है कि अगर आप मिड रेंज फोन लेना चाहते हैं, जैसे कि 3,000 रुपये से 4,000 रुपये के बीच में, तो आपके लिए ये दो ऑप्शन अच्छे रहेंगे। उसके साथ आपको यहाँ पे 4G का भी सपोर्ट मिलेगा, तो वो भी नोकिया के सबसे अच्छी कंपनी बेसिक फ़ोन जो रहते थे नोकिया के, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर फ़ोन थे। उसी प्रकार से एक बेसिक फ़ोन जैसे जियो फोन है, उसी प्रकार से अभी यहाँ पे नोकिया कंपनी भी जल्द ही दो कंपनी यहाँ पे दो फोन लॉन्च करने वाली है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो कि नोकिया की तरफ से ये जो न्यू लेके आई है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे और वो कौन कौन से मॉडल होंगे वो भी बताने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 215 यहाँ पे मॉडल नंबर है और एक 225 है। इसमें से आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे 3,000 रुपये कीमत वाला आपको यहाँ पे मिलेगा, जो 215 का है 4G वेरिएंट है वो आपको लगभग 3,000 रुपये वाला, और दूसरा जो होगा वो लगभग 3,500 रुपये के रेंज में, लेकिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। जैसे जियो फोन 4,000 में लॉन्च करने वाला है, उसी प्रकार से अब नोकिया को भी आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको सामने मिल चुके हैं। जैसे जियो की तरफ से 4,000 में फ़ोन आने वाला है, उसी प्रकार से नोकिया की तरफ से दो फोन यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। उनकी तरफ से खबर आई है कि आपके लिए दो फोन जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास मिड रेंज बजट है या फिर आपके लिए अच्छे अच्छे थोड़े से आपको देना चाहते हैं फ़ोन, जैसे कि आपके बुजुर्ग लोग होंगे या फिर ग्रामीण इलाकों में आप रहते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छे यहाँ पे जो कि बेसिक फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सिर्फ या 2G यहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल हो, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। और जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में नोकिया अभी तक सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। जैसे पुराने नोकिया के जब से मॉडल अलग अलग मॉडल है वो बेसिक फ़ोन रहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे कुछ भी हो जाए आप हम हथौड़ा फ़ोन रहते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे रफ एंड टफ आप यूज़ कर सकते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दो फ़ोन अभी यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नोकिया की तरफ से